कभी करती हैं मुलाकातें, कभी करती हैं मुलाकातें, कभी यादों में बरसातें, किताबें करती हैं बातें, किताबें करती हैं बातें। मन की गहरी झील में कूद जाती हैं कभी, सोच के दरिया के संग संग बहती जाती हैं कभी, चाहे शाम हो या हो रातें, किताबें करती हैं बातें। इस समय मेरे साथ है काजल ओझा वैद्य। इनकी खासियत ये है कि बरसों से इन्होंने लगातार स्क्रिप्ट राइटिंग पर काम किया है। इनकी महारत टेलीविजन, सिनेमा, फिल्म और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया में भी है। अब तक 56 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं और साहित्य और लेखन से गहरा नाता हमेशा से रहा है। काजल, आपका बहुत बहुत स्वागत किताबनामा में। आपका जो केंद्र रहा है वो रिश्ते रहा है, और दूसरी तरफ आपने काम किया है स्क्रिप्ट राइटिंग पर। इन दोनों का तालमेल क्या है? सिनेमा में बहुत ज़्यादा बात जब हम करते हैं तो हम रिश्तों के इर्द गिर्द ही करते हैं। हमारी सारी कहानियाँ अल्टीमेटली रिश्तों के आसपास घूमती हैं। माँ बेटा हो, बाप बेटी हो, हम वहीं घूम फिर कर आकर रुक जाते हैं। तो मुझे हमेशा से लगा है कि कहानियों का केंद्र ये होना चाहिए कि हम इंसान हैं, हमारा इंसान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इंसान हैं तो हमारे आसपास वो रिश्ते हैं जिनसे हम वो हैं जो हम हैं। तो यही कारण रहा है शायद मेरा कि मैं रिश्तों से जुड़कर लिखती हूँ, और सिनेमा की मेरी सारी स्क्रिप्ट्स या टेलीविज़न का भी जो काम करती हूँ वो इसी के आसपास रहा है। आप गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, आप जब इन नए बच्चों से इंटरेक्ट करती होंगी, आप ये महसूस करती होंगी कि एक तरफ ग्लैमर की दुनिया है और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जो बहुत मेहनत की बात करती है, उसकी डिमांड करती है। और जब हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है प्रैक्टिशनर्स के बीच में और उनमें जो कि मीडिया का अध्यापन कर रहे हैं। तो इस पूरी किताबी दुनिया में आप क्या महसूस करती हैं कि क्या मीडिया से जुड़ा हुआ लेखन आज हम किस स्थिति में है? विदेशों में हम जाते हैं तो जो लोग मीडिया में काम करें वो लिखते भी हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रचलन कम है। तो आप जब छात्रों से डील करती हैं तो किताबों को लेकर आपकी खुद आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है? देखिए, बच्चे कम पढ़ते हैं किताबें, इसका शायद कारण ये है कि उनके पास बहुत बड़ा एक्सपोजर है विजुअल का। अब गूगल के एक टिप पे आपको वो बहुत कुछ मिल जाता है जो हम लोगों ने कभी नहीं पाया, स्पेशली मेरी जनरेशन ने तो नहीं पाया। तो वो इन्फॉर्मेशन जो हम किताबों से पाते थे प्रॉबेबली वो अपनी इंटरनेट से या इससे उससे पा लेते हैं। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैं अपनी भाषा से बात करूं तो गुजराती में हम लोगों ने अभी इस बार गुजराती लिटरेचर फेस्टिवल किया और हमने देखा कि 60% से ऊपर ऐसे बच्चे जिनको हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लिटरेचर फेस्टिवल में वो आए। यहाँ भी आप देखिए जयपुर में इतनी यंगस्टर्स आते हैं, अटेंड करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है हम उनको कैटर नहीं कर पा रहे, हम उनको वो दे नहीं पा रहे जो वो उनको चाहिए। तो हो सकता है कि हम, और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि एथिक्स अलग है और बाज़ार, लेट अस पुट इट वेरी स्ट्रेट कि बाज़ार अलग है। तो जब वो पढ़ के निकलते हैं मीडिया एथिक्स या मीडिया के साथ जुड़ी हुई बातें, फिर बाहर निकलते हैं तो गला काटने वाली बातें हैं, तो उनको भी समझ में आ जाता है कि ये रैट रेस है। आप शेर हैं तो भी दौड़िए, आप हिरन हैं तो भी दौड़िए, एक जान बचाने के लिए, एक पेट भरने के लिए। बट अल्टीमेटली जहाँ तक मेरी समझ में आया है, ये जनरेशन बहुत प्रामाणिक है, वेरी ऑनेस्ट। इस ऑनेस्टी को मैं सिनेमा के साथ अब जोड़ना चाहूँगी। सिनेमा के बारे में भी ये कहा जाता है कि सिनेमा वो दिखाता है जो समाज का हिस्सा है, तो समाज का दर्पण है वो। अभी आपकी एक फिल्म भी रिलीज हुई है मराठी में, उस फिल्म की गुजराती में, उस फिल्म के बारे में हमें कुछ बताइए और वो आपकी रचना प्रक्रिया किस तरह की रही? मैंने ये चौथी फिल्म लिखी जिसमें स्वरूप संपत है, मानव गोहिल है, विदेशों में भी बहुत सराहना हुई इस फिल्म की। इट्स अबाउट थोड़ी सी बड़ी उम्र में है उनसे एक यंग लड़के की शादी होती है और उसकी ज़िंदगी का देखने का नज़रिया और मर्द के देखने का नज़रिया अलग है, और उसको लगता है कि सोशल कॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए। जो जो सोशल, मुझे सामाजिक निस्बत जो मेरी होनी चाहिए वो उसके पति को नहीं लगता कि होनी चाहिए, और एक अनाथ बच्चा है जिसको वो गोद लेती है और उससे पूरी कहानी बनती है।
पर अल्टीमेटली सप्तपदी वो सात मंत्र हैं जो हम शादी के वक्त कहते हैं, एक वचन है जो हम एक दूसरे को सात वचन देते हैं, तो वो सारे वचन के बाद सातवां वचन है कि सातवें फेरे में सातवें सात वचन के बाद हम दोस्त बन जाएं, सप्तमे सखा भव, तो वो दोस्ती की बात जब आती है वो सप्तपदी की बात है। तो आपकी जो रचना प्रक्रिया है जिसमें आप रिश्तों की बात करती हैं, आप कविताएं भी लिखती हैं जी, कविताओं की दुनिया अलग दुनिया है सिनेमा से, और वो ज्यादा संवेदनशील भी है बहुत सारे लिहाज से, क्योंकि वो शब्दों से सिनेमा भी पोएट्री है, वो सेलुलॉइड पे लिखी जाती है, अलग तरह की वो पोएट्री है और ये एक अलग तरह की पोएट्री है, और इसका इसका पाठक वर्ग और दर्शक वर्ग दोनों में भी कई बार एक अंतर महसूस करते हैं। तो आपकी जो लेखन प्रक्रिया है कविता की खास तौर पर, उसमें पिछले कई सालों में किस तरह के बदलावों को आपने खुद अपने अंदर महसूस किया है, क्योंकि 56 किताबें लिखने का मतलब ही है कि एक व्यापक दायरा आपका है। 56 में एक ही किताब कविता की है, बाकी मैंने पब्लिश नहीं की है, प्रकाशित नहीं की है। इसका कारण शायद यह है कि मुझे लगता है कि कविता बहुत निजी एक्सप्रेशन है, मेरा अपना एक्सप्रेशन है जिसको जल्दी से मैं प्रकाशित करना नहीं चाहूँगी। बहुत चयन करके अच्छी कविताएं जो मुझे लगे कि इसको दे सकती हूँ दूसरों को, वही शायद मैं पहुँचाऊँगी। प्रोज शब्द के साथ जब आप काम करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत महीन होना चाहिए काम, और बहुत प्रामाणिक होना चाहिए, लिखने के खातिर नहीं लिखा जाए, छपवाने के खातिर नहीं लिखा जाए। तो मैं ये अपने आप में भी देख रही हूँ पिछले सालों में कि मैं भी बहुत सिलेक्टिव हो गई हूँ, बहुत जल्दी नहीं दे देती हूँ किसी को या नहीं तैयार हो जाती हूँ, और कविता की किताबें अभी नहीं हुई हैं। क्यों? इसका कारण भी यही है, शायद मैं भी मैच्योर हो रही हूँ वाइल राइटिंग अबाउट रिलेशनशिप। काजल जी, आपके लिए हमारी बहुत सी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और आपका लेखन इसी तरह सक्रियता से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर हमेशा रहे, और कई और किताबें आप आने वाले समय में लिखें। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ किताबनामा की तरफ से आपका आभार। थैंक यू।